तो गाइस पार्सल आ चुका है, देखो। गाइस सर बड़ा पार्सल आया है, देख कितना बड़ा पार्सल आया है। इतना बड़ा ले लेते हैं। अरे बड़ा भारी है यार। मैं हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। एंड गाइस आज मैंने एक व्लॉग शुरू कर दिया और सही बता रहा हूँ, आज 5 सितंबर है। और आज 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे होता है। लेकिन भाई हमारा तो टीचर वीचर का काम हो गया खत्म। आगे जो हमारे पुराने गुरुजी देख रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ा रखा है, उनको आदर से सिर झुका के हैप्पी टीचर्स डे, नमस्ते। क्या ही हैप्पी टीचर्स डे बोलना है, मुझे मजा नहीं आता। जो किसी को अगर सम्मान देना है तो उन्हें नमस्ते प्रणाम ये बोलो, ठीक है? उससे उनको ज्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग गुड नाइट ये सब बोलने से अच्छा प्रणाम बोल दो, थोड़ा सा आदर लगता है। गुड मॉर्निंग तो मैं इसको भी बोल दूंगा, मॉर्निंग तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलता हूँ रोज। ऐसा लगा मेरा मजाक, मतलब मान लो बोल देते हैं किसी को भी बोल देते हैं, लेकिन टीचर्स को ज्यादातर प्रणाम या फिर नमस्ते इस तरह से सम्मानित किया करो, ठीक है ना? वो आदर वाला फील नहीं आता, वो आदर नहीं आता ना, वो अंग्रेज साले पता नहीं सबको गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बड़ों से लेके बच्चों तक को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हर बार की तरह बहुत ज्यादा फनी ब्लॉग होने वाला है, मीम्स के ऊपर मीम्स मिलेंगे, तो आप एंजॉय करो बस, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर लोगे अभी इस ब्लॉग को देखने के बाद। सब्सक्राइब कर ही लो और घंटी बटन को दबा के ऑल पे सेट करो, वीडियो को लाइक करो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये आ गए हैं अपने घर के अंदर। आज यहाँ पे जला हुआ है चूल्हा, क्योंकि हमारा गैस जो है खत्म हो चुका है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है। ये देखो ये हमारा इंडक्शन पड़ा है, इसमें हमने चाय वगैरह बना लिया है। अब आपको जब इंडक्शन था ही तो चूल्हा क्यों जलाया, तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली बात तो हमेशा लाइट रहती नहीं है। आधा खाना बनने के बाद अगर लाइट चली जाएगी तो आधा खाना तो हम खा नहीं सकते। दूसरी बात है कि हमारे पास इंडक्शन के प्रॉपरली सारे बर्तन नहीं है, सिर्फ एक चाय, आपको पता है इंडक्शन में जो फ्लैट सरफेस वाला बर्तन होता है वही काम करने वाला है। हमारे पास फ्लैट सरफेस वाले कुछ ही बर्तन है, इसमें चाय पानी दूध वगैरह गर्म हो जाता है। मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी आ जाएगा, फिर हमारी पूरी जिंदगी इंडक्शन पे निर्भर हो जाएगी। बाकी इंडक्शन काफी अच्छी चीज होती है, गैस वगैरह आपका बचेगा। आजकल जिस हिसाब से एलपीजी महंगा हो रहा है, उस हिसाब से आप इंडक्शन का यूज करो, बहुत अच्छा रहता है। फाइनली लाइट जा चुकी है और हमारा काम फिर से रुक गया, जैसे हर बार की तरह स्टूडियो में जाके वीडियोस बनाते हैं। आज फिर से वीडियोस नहीं बना पा रहे, लाइट आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने टाइम पास के लिए क्या कर रखा है, यहाँ पे हाथ में क्या क्या बना रखा है मैंने। मेहंदी पड़ी हुई थी ना, और पहले का देखो मैंने लिखा था तो अब थोड़ा थोड़ा मिट गया। और ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अच्छा आप लोग ये पहचान, अरे यार तूने तो दिखा दिया। अच्छा सिर्फ इसे पहचान के लग रहा है आपको संदीप महेश्वरी, आपको लगेगा क्योंकि ये जो उनका ये है ना स्टाइल, ये दिख रहा है, तो ये संदीप महेश्वरी को बना रहा है। और देखते हैं इसको बनाने में लग गया 2-4 साल है ना। लाइट भी आ चुकी है, मोबाइल भी चार्ज हो चुका है, चलो चलते हैं स्टूडियो में काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इसका हाथ बना रहा, अभी थोड़ा सा गाइस कंप्लीट हुआ है, शक्ल कंप्लीट नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है, जोकर टाइप का लग रहा है मुंह उसका, लेकिन अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा। ये गुड न्यूज है, हमारा पार्सल भी आ चुका है। मेन चैनल के लिए कुछ अनबॉक्सिंग के लिए सामान मैंने मंगाया था तो वो आ गया, जल्दी से लेने चलते हैं। मैंने तो वैसे उनको कहा था यार घर आ जाओ क्योंकि शिव मंदिर सामने है लैंडमार्क, उन्होंने कहा ना रास्ता बहुत ज्यादा खराब है आप ही आ जाओ, क्योंकि उनको और भी जगह पे पार्सल देना है। तो मैं चलो भैया आपकी मजबूरी समझ लेते हैं और हम ही थोड़ा सा चले जाते हैं लेने के लिए। सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, समझ लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है वैसे ब्लैक शर्ट मैंने आज पहन लिए, ये मैं लाया था रोशन के लिए, लेकिन मैंने सोचा मैं भी पहन लेता हूँ। तो गाइस कैसी चढ़ी आपके भाई को मेहंदी, ये देखो AMRIT। पहुंच चुका हूँ मैं लोकेशन पे जहाँ पे भैया ने बुलाया था, यहीं पे होगी अपनी डील। आपको पता है भैया क्यों नहीं आए, रुको आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस वजह से भैया नहीं आए, ये देखो रोड, ठीक है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ता। तो भाई पार्सल आ चुका है, देखो ये यहाँ से वहाँ क्रॉस करके नहीं जा सकते थे इसलिए यहाँ पे बुला लिया इनको। गाइस इस बार बड़ा पार्सल आया है, मज़ा आएगा, ठीक है? एंड बॉक्स काफ़ी ज़्यादा भारी भी लग रहा है यार, मतलब सामान तो पहले जितने ही ऑर्डर किया था, ये बॉक्स इतना बड़ा हो कैसे गया समझ नहीं आ रहा। अरे यार देख कितना बड़ा पार्सल आया, इतना बड़ा है। अरे बड़ा भारी है यार, मंगाया तो उतना ही बड़ा, मतलब उतना ही सामान मंगाया फिर भी इतना भारी पार्सल, मजा आएगा इस बार। यार दिख रही है मिठाई नहीं है उसमें। फाइनली पराठे आ चुके हैं खाने के लिए सुबह सुबह, एंड एक पराठा खाने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। शक्ल देखो पसीने से भरी हुए, जैसे ही मेरे प्लेट में पराठा आया एंड लाइट गायब हो गई। यार क्या दुश्मनी है यार, मतलब खाते वक्त तो लाइट दे दो, बहुत तकलीफ होती है। 12 बजने ही वाले हैं एंड हम लोग सुबह से प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं स्टूडियो में आके, और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना यार, देखो पंखा चल रहा है, समय बीच बीच में बंद करना पड़ता है जब बोलने की बारी आती है, आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है प्रोजेक्ट के बारे में। और अब ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रेडी होने ही वाला है, प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं? नहीं प्रोजेक्ट आज शायद प्रोजेक्ट ना जा पाए क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। अब ट्राई करेंगे अगर प्रोजेक्ट आज अपलोड हो जाता है तो फिर व्लॉग कल अपलोड होगा, आपको व्लॉग में प्रोजेक्ट भी शो कर दूंगा। और नया पार्सल तो आ ही गया, एक्साइटमेंट बस जगा के रखो। इस वक्त लगभग 3 बजने ही वाले हैं और हम लोग उतनी
बस काम कर रहे थे। और आज जो हमने जोर शोर से काम किया है, मतलब काम करते चले गए, एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं। आज हम लोग लगातार काफी देर तक काम कर रहे थे तो मजा भी आया और बिल्कुल थकावट भी ऐसा नहीं कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम सोते रहते ना तो उसमें ज्यादा थकावट होती है। ऐसे हम काम करते रह गए तो मजा आता रह गया। और बस हमारा प्रोजेक्ट भी ज्यादा काम करने के कारण, ज्यादा देर काम करने के कारण प्रोजेक्ट भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बस टचअप देना है और उसकी टेस्टिंग वगैरह दिखाना। काफी मेहनत लगी है उस प्रोजेक्ट में, देखना जरूर गाइस। हाँ, आपको कल वीडियो मिलेगी। अभी खाना वाना खा लेते हैं गाइस। यहाँ पे दे सकते हो सीजी ब्रोक पार्टी दे रहा है भटूरे का। आज इसने घर पे बना के ट्राई किया, सिर्फ इसने बनाया है। और किसने और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो गाइस फाइनली 4 बज चुका है यार, और अब जाके हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वीडियो भी कंप्लीट हो गई, बस हाँ टेस्ट करना रह गया है। अभी देख सकते हो रोशन भर रहा है पानी। अभी तक हमने नहाया नहीं, तब हम लोग जुट गए थे प्रोजेक्ट में कि आज जो भी हो जाए आज इसको बनाकर छोड़ेंगे। और क्या इस प्रोजेक्ट को बनाना आसान काम नहीं था, सुबह से बना रहे, 4 बज गए बनाते बनाते। और फाइनली जाके अब कंप्लीट हुआ, अब उसकी वीडियो बन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और बस आप तक पहुंच जाएगी कल। बाकी आज ही व्लॉग में डालना चाहता था, व्लॉग को एडिट वगैरह करूंगा उसके बाद देखते हैं। थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसके लिए वायर खरीद के लानी है। बस इतना बता रहा हूँ, आप समझो कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वायर लानी होती है वो कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है। कंफ्यूज हो सकते हो आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें वायर का यूज होता है। हमने नहा धो लिया है, अब मार्केट चलते हैं और वायर लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट की टेस्टिंग वगैरह कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद वीडियो वगैरह भाई एडिट करेंगे। व्लॉग भी यार पूरा कम्प्लीट हो ही गया हमारा। तो गाइस आ गए दुकान में, वायर लेते हैं। तो गाइस फाइनली अब घर जा रहे हैं, वायर ले लिया। अनु के लिए एक डेरी मिल्क ले लिया मैंने। अनु बोल रही थी उसे पेस्ट्री खानी थी क्योंकि टीचर्स डे में वो गई नहीं, तो फिर उसे कहना था, उसे फरमाइश थी कि पेस्ट्री खानी है, लेकिन पेस्ट्री मिला ही नहीं किसी भी दुकान में, पेस्ट्री अवेलेबल ही नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा चलो उसको खुश करने के लिए कुछ तो लेते हैं। गाइस घर आ चुके हैं एंड यहाँ पे मेरे पास एक लास्ट बाइट बची अपने कैडबरी डेरी मिल्क की। वाओ, चलो फिर आप लोगों से मिलता हूँ एंड शायद अब एडिट करने के बाद ही मिलूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी देर बिना पंखे के एडिट किया है एंड यहाँ पे देखो पसीना, इसकी भी शक्ल देखो और मेरी भी, क्या पसीना है शक्ल में, ठीक है। एंड सही बता रहा हूँ, वीडियो सिर्फ यार 6 मिनट की बनी है, ज्यादा लंबा व्लॉग बना भी नहीं है, ज्यादा व्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं था। 6 बच्चों का है, अब मैं क्या करूँ, व्लॉग को कैसे अपलोड करूँ। थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करता हूँ बाहर जाके एंड आपको थोड़ा दिखाता हूँ अभी स्टूडियो का क्या हाल है और कौन सा प्रोजेक्ट बनाया वो तो दिखा नहीं सकते, अंधेरा हो गया यहाँ पे। देखो गाइस यहाँ पे देखो, तो ये प्राणी पता नहीं कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रही है, क्या कर रही है यहाँ पे, कुछ बोल दे व्लॉग लंबा हो जाए। डेरी मिल्क खा लिया? हाँ, अच्छा था। कैसा टेस्ट था? और कुछ बोल, व्लॉग लंबा। अरे बस इतना सा बोल रही है, व्लॉग वो मीठा होता है सबको पता। अरे उधर कहाँ जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट दिख गया गाइस लेकिन अब वो दिखेगा नहीं, मैं वो एरिया कट कर दिया। ये अपना होम थिएटर पड़ा है, ये यहाँ पे, ये मेरा घर है गाइस, ये मेरा टेबल है गाइस, यहाँ मैं हूँ गाइस, ये मेरा भाई है गाइस, ये मेरा टी शर्ट पहने हुआ है लंबा ब्लॉग। हाँ लंबा हो गया, और हुआ ब्लॉग लंबा, और बात करते हैं। फाइनली हम जितना लंबा ब्लॉग चाहते थे उतना लंबा हो गया है एंड चलो फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और बस और क्या बोलूँ, ठीक है ब्लॉग को करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मेन चैनल पे आपको वीडियो कल मिल जाएगी, अभी जाके वीडियो को अब एंड करूंगा, अभी टेस्टिंग भी नहीं हुई प्रोजेक्ट की, सोचा पहले ब्लॉग आज का जो है वो आज संभाल लेते हैं। तू क्या हंस, तू साइड ऑफ पहले तो देखो जो आज का काम है हमने सोचा पहले आज कर लेते हैं और कल का काम तो अब हो ही गया है, वो कल अपलोड हो ही जाएगा, तो मैं सोचा ज्यादा देरी करके क्या फायदा, पहले ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो चलो फिर ये ब्लॉग आपको देना भी है, 6 बज चुका है, थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना।